Good morning, students. Let's continue question number 4 of exercise 9.5 of chapter Algebraic Expressions and Identities. Question number 4 is simplify. First part is a square minus b square raised to power 2. यानी square बताना है. फिर से हम identity use करते हुए करेंगे. तो देखिए अब कौन सी identity बन रही है यहाँ पर. ये मान लीजिए a है और ये है b. इट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर बन जाएगा. तो a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये आइडेंटिटी है. तो अब हमने a की जगह क्या रखना है? a स्क्वायर रखना है. उसके हिसाब से करना पड़ेगा. अब क्या है? a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू a स्क्वायर b स्क्वायर. क्योंकि a की जगह रखना है हमें a स्क्वायर और b की जगह रखना है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर 2. इस तरह से करेंगे. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. a स्क्वायर होल स्क्वायर a रेज टू पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर. आप यहां मल्टीप्लाई साइन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, प्लस b रेज टू पावर 4. इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा. नाउ सेकंड पार्ट. Second part is 2x plus 5 whole square minus 2x minus 5 whole square. इसको हम दो तरह से करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो तरह से आप यूज कर सकते हो आइडेंटिटीज को. आपको समझ आ जाएगा. देख लेना जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो अलग से इसको भूल जाइए एक बार के लिए. इसको देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? a और ये बन रहा है b. a plus b whole square. It means एक तो आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो a plus b whole square जब अब मान रहे हो कि 2x a है और 5 जो है b है. तो ये क्या हो जाएगा? a square plus 2ab plus b square. अब हमने क्या दूसरा देखो क्या बन रहा है. ये है a और ये है b. तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a minus b whole square a square minus 2ab plus b square. तो दोनों आइडेंटिटी यूज करके आप सम को कर सकते हो. अलग अलग से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अब कैसे. पहले हम ये यूज कर लेते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर a है 2x, 2x होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 होल स्क्वायर. ये तो बात हुई यहां तक. उसके बाद इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो है अलग से हमने सॉल्व करना है और ये माइनस है. माइनस को अलग रहने दीजिए. अब यहां पर करेंगे, यहाँ a है 2x, 2x होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a, a है यहाँ पर 2x इनटू b वो है 5 प्लस 5 होल स्क्वायर. ब्रैकेट क्लोज. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर. 2 2 जा 4, 5 जा 20x and 5 5s are 25. या माइनस रहने दीजिए. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 4x square minus 20x plus 25. अब देखो ब्रैकेट
इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, माइनस बाहर है, इट मीन सारे साइंस चेंज हो जाएंगे. 4x² + 20x + 25 - 4x² + 20x - 25. ओपन किया है हमने ब्रैकेट्स को, ये एज इट इज रहेगा या माइनस है इसलिए सारे साइन चेंज हो गए. अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं. अब 4x² के साथ लाइक टर्म है 4x², एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे. 20x 20x, दोनों ही प्लस हैं, इट मींस 40x आ जाएगा. और 25 - 25 लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा. 40x इज द रिक्वायर्ड आंसर. देखिए अब इसको दूसरी तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसको मान लें पूरे को a, तो भी तो हो सकता है ना. इस पूरे को मान लीजिए, उसका आपका माइंड इस तरह से काम कर जाए, क्योंकि आइडेंटिटीज तो आपने पढ़ ली हैं. हम मान लेते हैं इस पूरे को a और इस पूरे को b. ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां माइनस है. अगर प्लस होता तो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है. यहां बन रही है हमारी आइडेंटिटी a² - b² अब देखो उसके अकॉर्डिंग भी तो हो सकता है ना. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पर? a² - b² ये है a + b a - b. अब a हमारा 2x + 5 है, इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है. देखिए फिर भी यही आंसर आ रहा है क्या? देखो 2x + 5 ये a है प्लस b 2x - 5 इस फॉर्म में तो है ना, ये हमने प्लस का कर दिया. अब माइनस 2x + 5 माइनस, अब 2x - 5 इसका आप देखो माइनस भी करना है, साइन चेंज हो जाएंगे. या एक स्टेप और करके भी आप कर सकते हो, वरना डायरेक्टली चेंज कर सकते हो. यहां देखिए अब लाइक टर्म्स, एक प्लस एक माइनस है, कट जाएगा 4x. यहां पर ये 2x और -2x लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस है, कट जाएगा 5 and 5 10. और ये आ जाएगा 4x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x. फर्स्ट मेथड से भी 40x आंसर आया था, सेकंड मेथड से भी 40x आ जाएगा. जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं. नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 7m - 8n² + 7m + 8n² अब देखिए इसमें यहां माइनस नहीं है, इसलिए वो आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर सकते, सेकंड मेथड यूज नहीं होगा. तो अब हमारे पास कौन कौन से मेथड यूज होंगे? इसको अगर मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए b, इट मींस a - b² इसको a इसको b, तो a + b² इसी वही आइडेंटिटीज दोनों यूज करते हुए आपको सॉल्व करना होगा. पहले लगेगी आपकी a - b² दैट इज a² - 2ab + b² and a + b² that is a² + 2ab + b². अब हमें ये पता है a क्या है, a है 7m, 7m² -2ab -2 × 7m × 8n + 8n² ये तो हो गया इधर वाली जो हमें लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, इस पे हमने ये आइडेंटिटी यूज की. अब है प्लस, अब प्लस में आप ब्रैकेट दूसरे यूज ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं होने, बट आपका मिस्टेक ना हो आप ऐसे ही रखिएगा. 7m² + 2 × 7m
multiply a 10 plus a 10 whole square, bracket close. Now 7 को 7 से multiply कीजिए, 49 m square minus, अब 2 7s are 14 and 14 8s are 112 mn plus 64 n square because 8 8s are 64 plus 49 m square plus 112 mn plus 64 n square. इसी स्टेप में हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दी है क्योंकि प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे. अब देखिए लाइक टर्म्स देख लेते हैं, 49 m square, 49 m square दोनों ही प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे 98 m square. इसको और इसको सॉल्व किया है. नाउ माइनस 112 mn एंड प्लस 112 mn लाइक टर्म्स हैं और माइनस प्लस हैं, कैंसिल हो जाएंगे. नेक्स्ट 64 ये n स्क्वायर लाइक टर्म है, इट मींस ऐड हो जाएंगे 128 n स्क्वायर, 98 m स्क्वायर प्लस 128 n स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ फोर्थ पार्ट, fourth part is 4m plus 5n whole square and 5m plus 4n whole square. इसमें भी plus है given बीच में जो है, तो भी देखो वो वाला second method use नहीं होगा. अब ये है हमारे पास a और ये है b, इट मींस a प्लस b होल स्क्वायर बनेगा. ये है a, ये है b, यहाँ पर भी a प्लस b होल स्क्वायर यूज होगा. तो यहाँ a की आइडेंटिटी यूज होनी है दोनों तरफ, a प्लस b होल स्क्वायर. तो माइनस वाली आइडेंटिटी हम यहाँ से हटा देते हैं, हमें सिर्फ इसको यूज करना है. तो देखिए a है 4m, 4m whole square plus 2 multiply 4m plus 5n plus 5n whole square. Now plus है, next 5m, 5m whole square plus 2 into 5m multiply 4n plus 4n whole square, bracket close. ये हो गया, इसको आप solve कर लेंगे. 4 4s are 16 m square plus 2 4s are 8, 8 5s are 40, 40 mn plus 25 n square. अब बीच में क्योंकि plus है तो आपको bracket साथ ही open कर लेनी चाहिए क्योंकि sign change नहीं होने. 25 m square plus 40 mn plus 16 n square. अब देख लेते हैं like terms कौन कौन सी हैं. ये 16 m square, 25 m square, ये दोनों like terms हैं, इनको add कर लीजिए. 41 m square plus, अब 40 mn भी plus है, यहाँ भी 40 mn plus में है, हैं भी like terms, add हो जाएंगी. 80 mn plus 25 n square, 16 n square, 41 n square. अब ये देखिए like terms के accordingly हमने solve कर लिया और 41 m square plus 80 mn plus 41 n square is the right answer. Now fifth part, p minus 1.5q whole square minus 1.5p
माइनस 2.5 क्यू होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये भी सेकंड मेथड इसमें यूज कर सकते हो, ये ए बन जाएगा पूरा और ये पूरा भी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से भी सॉल्व कर सकते हो, वरना ऐसे तो आप कर ही सकते हैं। ये ए है ये बी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ये ए है ये बी है, ये भी ए माइनस बी होल स्क्वायर से भी आप कर सकते हो। तो आइडेंटिटी ये यूज नहीं होगी, माइनस वाली यूज हो जाएगी। देखिए यहां माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 p मल्टीप्लाई 1.5 q प्लस 1.5 q होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, 1.5 p होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.5 p मल्टीप्लाई 2.5 q प्लस 2.5 q होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 625, और डेसिमल लगाना है 1 and 1, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 6.25 p स्क्वायर माइनस। और ये देखिए 2 को 2.5 से करेंगे तो 5 और 5 को 1.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 75। अब देखिए कैसे ही इसको करना है, आपने इसको ऐसे भी देख सकते हो, 15 टू जर 30, 30 को आपने 25 से किया तो 750, और अब आपने डेसिमल लगाना है 1 2 1 2, यानी 7.5 भी कह सकते हो आप इसको, 7.50 भी कह सकते हो, दैट इज पी क्यू प्लस 1.5 को 1.5 से करेंगे तो 2.25 q स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट अभी लगाइए, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, अगेन 2.25 p स्क्वायर माइनस, देखो सेम है तो ये भी क्या आ जाएगा, 7.50 p q प्लस 6.25 q स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहां तो प्लस ही है, यहां माइनस होने की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब लाइक टर्म्स को देखिए, 6.25 p स्क्वायर और ये है 2.25 p स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, इनमें से माइनस करेंगे तो 6.25 माइनस 2.25 दैट इज 4, 4 p स्क्वायर माइनस 7.50 प्लस 7.50 pq, एक प्लस है एक माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, 2.25 6.25 q स्क्वायर, q स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, अगेन इसी तरह से माइनस होगा 4 आ जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस 4 q स्क्वायर, 4 p स्क्वायर माइनस 4 q स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सिक्स्थ पार्ट, इसको आप दूसरे मेथड से भी करेंगे तो भी सेम आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट इज ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, इसको सिंपलीफाई करना है आपने, ये एज इट इज रह जाएगा। यहां पर देखिए आइडेंटिटी यूज हो रही है कैसे, क्योंकि ये हमारा a है और ये b है,
इट मींस आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. हियर a इज ए बी एंड b इज बी सी. ऐसे आपने सॉल्व कर लेना है. तो देखेंगे ए बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी होल स्क्वायर. ये तो हमने आइडेंटिटी लगा दी इस तरह से, और ये जो है एज इट इज हम यहां पर लिखेंगे. ये कब यूज होगा, जब ये लाइक टर्म्स के साथ आता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे. देखते हैं ए बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू बी बी स्क्वायर सी प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी. लाइक टर्म्स चेक कीजिए. ये देखो ए बी सी ए बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर सी. तो इट मींस ये जो है लाइक टर्म्स हैं, और एक प्लस है एक माइनस है. प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा. इट मींस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ सेवेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज m squared minus n squared m whole squared plus 2m cube n squared. ये स्टेटमेंट है, लास्ट पार्ट की तरह ही हो जाएगा. ये हमें दिया हुआ ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा. लाइक टर्म्स आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएंगे. सपोज ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो यहां पर ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज हो जाएगा क्योंकि ये बीच में माइनस है. तो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो देखिए ए है हमारा यहां पर एम स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर. तो यहां तक सॉल्व हो गया. इस फॉर्म में हमने आइडेंटिटी लगा दी और ये आ गया, और साथ में हम लिखेंगे प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर. सॉल्व कीजिए एम स्क्वायर होल स्क्वायर एम रेज टू पावर फोर माइनस 2m square m है तो m cube हो जाएगा, ये n square आ जाएगा plus n is to power 4m square. क्योंकि n square का भी square है means n raised to power 4 हो जाएगा, 2 raised to power 2 means 4 और m square तो m square ही आ जाएगा plus 2m cube n square. Like terms check कीजिए m cube n square m cube n square minus 2 plus 2 like terms भी हैं, और एक minus है plus है cancel हो जाएंगे means m raised to power 4 plus n raised to power 4 m square. ये required answer आ जाएगा. और इसी के साथ ही हमारा question number 4 complete हो गया. कोई भी problem आए तो आप comment करके पूछ सकते हैं. Thank you.